हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स ओके इन द सी ऑफ नॉलेज। ये मेरा फोर्थ वीडियो है सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो इसमें मैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक प्रोग्राम करने वाला हूँ। राइट प्रोग्राम टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + n। कमेंट इस तरह दिया जाता है सी में, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोग्राम का नेम, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ 1 + 2 + 3 + ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। इसका हमको रिजल्ट निकालना है। ये जो सीरीज है, हैश इंक्लूड stdio.h मेन इंटीजर आई कॉमा एन कॉमा सम सिंपल। मैंने आई लिया है इसलिए क्योंकि मैं फॉर लूप यूज करूंगा, एन लिया है क्योंकि यहाँ पे एन है, और साम इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे साम है, प्लस 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 है तो प्लस करना है, इसीलिए मैंने साम लिया। प्रिंट एफ, एन एफ परसेंट डी कॉमा एम परसेंट एन सेमीकोलन। सम इक्वल 0 फॉर आई इक्वल 1 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। सम इक्वल सम प्लस आई सेमीकोलन। प्रिंट एफ एन रिजल्ट इक्वल परसेंट बी कॉमा हो गया। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस पहले सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल एस इसको दे देता हूँ। 1 + 2 + 3 + 4 + n सेव सेव हो गया। कंपाइल करने के लिए एग्जीक्यूट, उसके बाद कंपाइल। यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं है, 2.06 सेकंड में हो गया है। अभी रन करना है, एग्जीक्यूट रन, ये आ गया है। गिव द वैल्यू ऑफ n, गिव द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू मैं 5 देता हूँ। तो एंटर देते ही रिजल्ट है 15, ठीक है। रिजल्ट है 15, आप देख रहे हैं रिजल्ट है 15। तो ये अभी कैसे हुआ, अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको। तो आपको पहले ये जानना है कि ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एपी, ये है एपी, एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीरीज है ये। इसका फॉर्मूला यूज करके भी आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2, ये है इसका फॉर्मूला। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 नंबर का अगर निकालना है क्या होगा, 6 + 4 = 10 + 5 = 15, रिजल्ट है 15, ठीक है। अभी आपने देखा कि 15 हुआ था। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तब भी ये n इक्वल टू 5 है तो तब भी ये 15 ही होगा। 5 × 5 + 1/2 आप देखेंगे, 5 × 6/2 = 30/2 = 15, सेम। तो मैंने यहाँ पे फोर लूप यूज किया है, ये फॉर्मूला यूज नहीं किया है, ठीक है। तो मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको ये फोर लूप से कैसे हुआ है। पहले क्या होगा, हैशिंग stdio.h मेन, मेन से रन शुरू होता है, एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, ओपनिंग ब्रेस, उसके बाद का लाइन है इंटीजर आई एन सम।
ये लाइन मिलते ही रैम में आई, एन और साम, ये तीनों चीजें, तीनों वेरिएबल रैम में बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जैसे करके दिखा रहा हूं वैसे ही आपको कॉपी में करना है। ठीक है, आपको एक कॉपी लेना है, पेन और पेपर लीजिए और इसको मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करिए। और ये जो फुल प्रोग्राम है इसको कम से कम 5 बार आप कॉपी में लिखिए, फिर रन करिए, लिखिए फिर रन करिए। उससे क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है पूरा आपको याद आ जाएगा। प्रिंट एफ कैसे लिखते हैं, स्कैन एफ कैसे लिखते हैं, आंख बंद करके आप लिख सकते हैं तब। ठीक है, फॉर लूप का स्ट्रक्चर पूरा ये दिमाग में आ जाएगा, तो आप कोई भी प्रोग्राम करने में आपको आसानी होगा, कोई भी एरर ढूंढने में आसानी होगा। तो जितना बार आप करेंगे उतना बार आपका फायदा होगा। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार कॉपी में प्रैक्टिस करिए। कंप्यूटर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ कंप्यूटर में, लेकिन जैसे कि मैथमेटिक्स कहाँ करते हैं, कंप्यूटर में नहीं करते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं कॉपी में। वैसे ही आपको ये जो प्रोग्राम है सी प्रोग्राम अच्छे से सीखना है तो कॉपी में करना है। ठीक है, तो आई एन साम ये तीन वेरिएबल रैम में बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नीचे वाला लाइन प्रिंट एफ, प्रिंट एफ स्लैश एन गिव द वैल्यू, यहाँ पे आउटपुट विंडो है। यहाँ पे लिखा है गिव द वैल्यू ऑफ एन सेमीकोलन बोल के यहाँ पे ये वेट करेगा। वेट क्यों करेगा, क्योंकि नीचे स्कैनएफ है। स्कैनएफ मिलते ही यहाँ पे आएगा, स्कैनएफ क्या करता है, स्कैन करता है, यहाँ से नंबर स्कैन करेगा। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, अभी मैं यहाँ पे 5 दे रहा हूँ, मुझे 5 नंबर्स का करना है, 1 2 3 4 5। मैं 10 दूंगा तो 10 का वैल्यू ये निकाल के दिखाएगा। 5 दिया है, एंटर मारा है, यहाँ पे अगर मैं एंटर मारूंगा तो क्या होगा, ये 5 जो है ये एन के एड्रेस में चला जाएगा। यहाँ पे परसेंट क्यों दिया है, क्योंकि इंटीजर स्कैन करेगा ये, तो 5 इंटीजर है। अगर मैं यहाँ पे 5.2 लिखता हूँ, यहाँ पे परसेंट डी है तो 5.2 नहीं आएगा, आएगा 5। ठीक है, क्योंकि इंटीजर पार्ट ही ये स्कैन करेगा, 0.2 को ये स्कैन नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आपको 0.2 भी करवाना है तो ये फ्लोटिंग पॉइंट है, यहाँ पे फ्लोट इंटीजर की जगह फ्लोट देना पड़ेगा और परसेंट डी की जगह परसेंट एफ देना पड़ेगा। 5 जो है एंटर मारते ही एन में आ जाएगा, एन के एड्रेस में आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद साम इक्वल टू जीरो, साम इक्वल टू जीरो ये इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइज मैंने पिछले वीडियो में बोला था आपको, इनिशियलाइज, इनिशियलाइजेशन मतलब कि, इनिशियलाइजेशन मतलब है कि रैम में वेरिएबल को कोई भी वैल्यू देना, मतलब इनिशियल वैल्यू देना, तो साम इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, नीचे वाला स्टेटमेंट आप यहाँ पे देखिए, साम इक्वल टू साम प्लस आई, तो साम में कुछ नहीं है तो साम प्लस आई कैसे होगा, आई में सपोज 1 है, साम में कुछ नहीं है तो साम आई के साथ प्लस कैसे होगा। एक्चुअली इसमें कोई एरर नहीं होगा, जब आप रन करेंगे उल्टा फुल्टा कोई भी वैल्यू आपको दिखा देगा। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए, मैं यहाँ पे अगर ये लाइन में ओमिट कर दूँ तो क्या होगा, कंट्रोल एस, एग्जीक्यूट कंपाइल एग्जीक्यूट रन, ये देखिए गिव द वैल्यू ऑफ एन 5, रिजल्ट क्या आया 16। देखिए 15 आना चाहिए था, सामने जो भी है वो खुद से ले रहा है। एग्जीक्यूट रन, मैं लेता हूँ यहाँ पे 10, रिजल्ट आएगा उल्टा पुल्टा, देखिए 55 आना था आ गया है 56, मतलब सामने जो है वो ऑटोमेटिक इनिशियलाइज किया है उसने। इसको बोलते हैं गार्बेज, गार्बेज वैल्यू, मतलब कुछ भी वैल्यू उसने डाल दिया है इसके अंदर, तो इसीलिए इनिशियलाइज करना बहुत ही जरूरी होता है। कंपाइल रन, अभी देखिए 10, इसका वैल्यू है 15, ठीक है, ठीक हो गया। चलिए अभी देखते हैं इसको कैसे रन करना है। तो आई एन साम, तो साम इक्वल टू जीरो, साम में जीरो आ जाएगा। फॉर आई इक्वल टू 1, आई में 1 है, ठीक है, मैंने फॉर लूप आपको पिछले वीडियो में समझाया था, अगर आपको फॉर लूप नहीं आता है तो आप प्लीज़ मेरे 3rd नंबर वीडियो देखिए। तो फॉर लूप में क्या होगा, 1 नंबर पे आई इक्वल टू 1 होता है यहाँ पे जैसा है, 2 नंबर पे आई लेस देन इक्वल एन होगा यहाँ पे,
उसके बाद साम इक्वल टू साम प्लस आई होगा, उसके बाद तीन नंबर पे आ जाएंगे आई प्लस प्लस में, ये है स्टेप। तो यहाँ पे ट्रू होते ही इसमें आएगा, ठीक है, और फॉल्स होगा तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये लूप है कंटिन्यू घूमता रहेगा, दो नंबर से तीन नंबर में आएगा, उसके बाद फिर यहाँ से घूम के इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा, और ये स्टेटमेंट कभी रन नहीं होगा, सिर्फ एक बार ही रन होगा फर्स्ट टाइम। तो आई इक्वल टू वन, तो अभी कंडीशन चेकिंग, वन वन लेस देन इक्वल एन, एन मतलब क्या है फाइव, वन लेस देन इक्वल फाइव, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू मतलब वन पांच से छोटा है, कंडीशन ट्रू अंदर आ जाएगा इसके फोर के अंदर, फोर के अंदर साम इक्वल साम प्लस आई। तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कोई ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि एक स्टेटमेंट होता है फोर के अंदर या फिर इफ के अंदर, एक स्टेटमेंट होने से ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं होता है, एक स्टेटमेंट से ज्यादा होगा तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो साम इक्वल टू साम प्लस आई होगा, अभी साम में क्या है आप देखिए, साम में है जीरो, आई में क्या है, आई में है वन, तो जीरो प्लस वन मतलब ये ऐसे हुआ है, साम इक्वल टू साम प्लस आई मतलब साम इक्वल टू जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन क्या है वन, साम इक्वल टू जीरो प्लस वन साम इक्वल टू वन। तो मैंने बोला था इक्वल इक्वल जो है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये राइट टू लेफ्ट असाइन करता है, मतलब वन को ले जाके साम में रख देगा, हो गया फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए थर्ड नंबर पे है आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मतलब आई का वैल्यू एक करके बढ़ाना, आई इक्वल टू आई प्लस वन, आई प्लस प्लस का मतलब है आई इक्वल टू आई प्लस वन, इसका मतलब है आई इक्वल टू आई प्लस वन मतलब आई का वैल्यू एक करके बढ़ाना। अभी आई हो गया टू, फिर से कंडीशन चेकिंग, टू लेस देन इक्वल फाइव, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू है, फिर से ये अंदर आएगा, इसके अंदर आ जाएगा आके साम इक्वल टू साम प्लस आई, साम प्लस आई फिर से देखिए साम में क्या है, साम में क्या है वन, आई में क्या है टू, तो साम प्लस आई मतलब वन प्लस टू क्या होगा थ्री, थ्री कहाँ पे आएगा साम में आ जाएगा, इसको काटिए थ्री साम में आ गया, फिर से आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मतलब आई का वैल्यू थ्री, ठीक है, साम इक्वल टू साम प्लस आई, यहाँ पे आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस होते ही आई का वैल्यू एक बार जाएगा, उसके बाद फिर से कंडीशन चेकिंग, थ्री लेस देन इक्वल फाइव कंडीशन ट्रू, फिर से अंदर आएगा आके साम इक्वल टू साम प्लस आई, अभी साम में क्या है थ्री, आई में क्या है थ्री, थ्री प्लस थ्री क्या है सिक्स, सिक्स कहाँ पे आएगा साम में आ जाएगा, ठीक है, फिर होगा आई प्लस, आई प्लस प्लस में क्या आएगा फोर, ठीक है, यहाँ पे है फोर लेस देन इक्वल फाइव, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू, फिर से अंदर आएगा साम इक्वल टू साम प्लस आई, सिक्स प्लस फोर क्या है टेन, टेन कहाँ आएगा साम में आएगा, ठीक है, फिर से आई प्लस प्लस, आई में क्या है फाइव, फाइव लेस देन इक्वल फाइव, फाइव लेस देन इक्वल फाइव, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू, फिर से अंदर आएगा आके साम इक्वल टू साम प्लस आई, फाइव प्लस टेन इक्वल टू 15, फिर से आई प्लस प्लस, आई आई का वैल्यू क्या आएगा 6, 6 लेस देन इक्वल 5, अभी देखिए 6 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, 6 इसमें तो 5 लेस देन जब 5 हुआ था 5 लेस देन 5 फॉल्स, लेकिन 5 इक्वल 5 जो है वो ट्रू हुआ था, लेकिन इसमें लेस देन और इक्वल दोनों में से एक ट्रू हो जाने से ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 पाँच से छोटा भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो ये फॉल्स हो गए, जब ये फॉल्स होगा कंडीशन तब ये इसके अंदर नहीं आएगा ना आके फिर डायरेक्टली इस लाइन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है स्लैश एन, ये यहाँ पे वेट कर रहा था, स्लैश एन मिलते ही नीचे के लाइन में आ जाएगा, रिजल्ट इक्वल टू, रिजल्ट इक्वल टू परसेंट डी, परसेंट डी मतलब क्या, यहाँ पे इंटीजर प्रिंट होगा, कहाँ से प्रिंट होगा साम से, साम में क्या है 15 हो जाएगा 15। उसके बाद हो गया क्लोजिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस मिलते ही रैम में जो ये वेरिएबल्स बने थे ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा।
आपके सामने क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये आउटपुट। ठीक है, मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट रन, ये देखिए वैल्यू एन 5, एंटर 15। ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो आउटपुट विंडो है, आप देख लीजिए, गिव द वैल्यू ऑफ एन, गिव द वैल्यू ऑफ एन, रिजल्ट 15, रिजल्ट 15। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हैव फन।